नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खनिज का अवैध उत्खनन एवं परिवहन थमने का नाम नहीं ले रहा। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में रेत और पत्थर का अवैध उत्खनन और परिवहन धड़ल्ले से किया जा रहा है। दूसरी ओर कई रेत खदानों का ठेका महीनों पहले समाप्त हो गया, लेकिन खनिज अफसरों की लापरवाही से अब तक नए सिरे से रेत घाटों का आवंटन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इसका फायदा उठाते हुए रेत का अवैध खनन और परिवहन बड़ी तादाद में किया जा रहा है। हालांकि सूचना मिलने पर खनिज विभाग की उड़नदस्ता टीम करती है, लेकिन कर्मचारियों की समस्या से जूझ रहा विभाग अपेक्षित कार्रवाई भी नहीं कर पा रहा है। जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से दीपक यादव की रिपोर्ट। सर, अवैध खनन को लेकर कुछ कार्रवाई की गई? कितनी गाड़ियां पकड़ी, कहां कहां पकड़ी? हां, शिकायत प्राप्त हुआ था हमारे खनिज उड़नदस्ता दल को, तो हमने देर शाम को टीम को रवाना किया था, जिसमें अकलतरा, जांजगीर, पामगढ़ आदि क्षेत्रों में कुल 9 रेत के वाहन पकड़ाए गए हैं और 2 चूना पत्थर गिट्टी के वाहन पकड़ाए गए हैं, जिसको पुलिस अब रक्षा में रखा गया है। और इसके अतिरिक्त खनिज के अवैध भंडारण करते हुए भोगापारा शिवनी नारायण में 2 प्रकरण दर्ज किया गया है अवैध भंडारण के, और कार्रवाई जारी है, निरंतर कार्रवाई की जाएगी। सर, लगातार रेत के इस मामले में पता चल रहा है कि हर जगह रेत का अवैध खनन चल रहा है, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इसमें विगत इस माह में हमने 2-3 तारीख को हमने करीब 22 गाड़ियों का कार्रवाई किया था, उसके बाद फिर बीच में 12-13 तारीख को और 17 वाहनों पर कार्रवाई किया है, और अब फिर से हमने 11 वाहनों पर अवैध रोकथाम के लिए कार्रवाई किया गया है। और इसके अतिरिक्त हम लोग नवीन रेत खदान स्वीकृत करने का पूरा तैयारी किया जा रहा है, जिसमें पूरे खदान स्वीकृत हो जाने के बाद संचालित करने से किसी प्रकार की कोई बिना अवैध की समस्या बंद हो जाएगी। सर, ये जो बलौदा तरफ जो है, बलौदा रोड में लगभग कम से कम 3 दिन में 100 गाड़ी रेत अवैध खनन चल रहा है, उसका कार्रवाई कब तक होगी? सर, जैसे कार्रवाई निरंतर टीम हमारे पास एक उपलब्ध है खनिज उड़नदस्ता दल में, जिसमें एक इंस्पेक्टर, एक सुपरवाइजर और एक 2 सिपाही हैं, उनके द्वारा समय समय पर कार्रवाई किया जा रहा है। ठीक है।